नबूवत के जमाने से चलती हुई बैतुल मुकद्दस तुम क्या जानो ए मोदी, अल अक्षा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना काबा से लेकर के अल अक्षा पे मेराज पे चढ़े थे, वो हमारे लिए बैतुल मुकद्दस, हमारे लिए सब कुछ है। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। आज हमारे साथ मौजूद है नदीम खान जी, कई मुद्दों पे बात करेंगे। नदीम खान, किस तरह से मुमरा शहर के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या क्या हालात से गुजर रहा है, क्या नजरिया बन रहा है अभी इस वक्त आपका इस पूरे दुनिया के हालात में? दुनिया के हालात में क्या नजरिए से दिखा चाहेंगे, दुनिया के हालात तो ऐसे ही बिगड़े। मस्जिद अक्षा ये इसराइल को क्यों टारगेट? अरे क्या बात कर रहे हो, मस्जिद अक्षा उन वो क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपको मालूम है हैकले सुलेमानी क्या है? मस्जिद अल अक्षा हैकले सुलेमानी, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए कोई वर्ल्ड का कोई भी जाति अदर इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका अधिकार उस पर बनता नहीं। अपना रिश्ता जोड़ रही है, आज से नहीं जोड़ रही है, कई हजार साल से जोड़ रही है, क्योंकि ये बैतुल मुकद्दस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो फिरौन की कौमों में से थी, तो यहूद नसारा की कौम थी जो उनको आज़ाद कराया था मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये काफल हो चुकी कौम है जो अल्लाह की पैरवी करती है, जो तौरात पे अमल करती है। मस्जिद अक्षा के अधिकार की बात कर रहा हूँ। इसराइल इतने टाइम से सारी चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पर अटैक कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मतलब अब मतलब ये कहाँ रुकेंगे, ये किस तरह से अपना पैर फैला रहे हैं, इसके क्या? देखिए उनको ना अभी इसराइल को बनाने में ना, एक कंट्री इसराइल को बनाने में याकूब अलैहिस्सलाम ने जो मेहनत की थी यहूद की कौम को जोड़ के, तो उन लोगों के लिए एक अलग कंट्री बनी हुई थी, फलस्तीन पे तो उनका कोई हक ही नहीं। मुसलमान कौम अव्वल हक पर बरहक पर चलने वाले है, तो उसको हर कोई दबाने की कोशिश करते हैं। मोदी साहब के बारे में आपके मन में क्या आता है, ये इसराइल को खुल के क्यों सपोर्ट की है, क्या वजह? एक डेमोक्रेसी है, जैसे कि मैं आज एक मोदी साहब का तुमने बात ली है ना, तो मैं साफ बोलना चाहता हूँ आपको, अपने इंडिया के अंदर है ना एक डेमोक्रेसी है, मुस्लिम हिंदू सभी समाज के लोग मेल जोल करके बैठे हुए, बराबर है ना, सभी समाज के लोग है यहाँ। अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई मस्जिद अक्षा के लिए दुआ करता है मुसलमान, तो उसका वो अधिकार है, क्योंकि तुम कुरान से ना अलग नहीं कर सकते बैतुल मुकद्दस को, तो मुसलमान का अधिकार है कि वो बोलेगा, वो यहाँ तक की दुआएं करेगा, मस्जिद में करेगा, घर में करेगा, हर जगह रो रो के गिड़गिड़ा के करेगा। अब मोदी ने जो बोला कि मैं इसराइल का सपोर्ट करता हूँ, तो देखिए कैसे, उनको ये बोलने से पहले सोचना चाहिए कि इंडिया में 25 करोड़ की जो आबादी अगर मुसलमान की है, तो उनके दिल पे ठेस पहुँचेगी, क्योंकि वो कोई छोटी मोटी मस्जिद नहीं है, वो अल अक्षा है, वो एक छोटी मोटी मस्जिद नहीं है जो 400 साल या 200 साल या 500 साल पहले किसी बादशाह ने बना दी गई हो, वो हमारे नबी ने बनाई थी, हमारे नबूवत के जमाने से चलती हुई बैतुल मुकद्दस तुम क्या जानो ए मोदी, अल अक्षा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना काबा से लेकर के अल अक्षा पे मेराज पे चढ़े थे, वो हमारे लिए बैतुल मुकद्दस, हमारे लिए सब कुछ है। दूसरी बात, आपने तो मोदी का बोल दिया, हिंदुस्तान का बोल दिया, मैं लानत भेजता हूँ उस इस्लामिक कंट्री पे, सऊदी अरब पे, दुबई पे, ईरान पे, इराक पे, तुर्क पे, ओमान पे, कतर पे, हर एक इस्लामिक कंट्री पे मैं लानत भेजता हूँ, लानत हो तुझ पे, कि हम इंडियन मुस्लिम के हाथ में तो कुछ नहीं, हम इंडियन मुस्लिम तो एक
मतलब सिविलियंस के तौर पे, हमारी सरकार नहीं, हमारा कुछ नहीं, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन लानत हो तुझ पे, तेरी किंगडम पे, तूने आज तक इतने फलस्तीन में अल अक्सा पे इतना बड़ा जुल्म हो गया, इतने बच्चे मासूम मारे गए, इवेंट्स इसराइल पे तू हमला नहीं कर सकता था, तो कम से कम ये तो रोक सकता था कि तेरी जंग में इसराइल के बच्चे, फिलिस्तीन के बच्चे, वो मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं जिनका कोई दोस्त नहीं था। तू है तुझ पे, अल्लाह की लानत हो तुझ पे, क्योंकि तुम पर अल्लाह ने वो पावर नशीन दी थी कि तुम कुछ भी कर सकते हो, अल्लाह तुम्हारी पावर को छीन ले, आमीन सुमा। क्या वजह समझे आपने, ये लोगों ने क्यों नहीं कुछ बोला अभी तक? इतने बड़े विज्ञानी बनते, इतना बड़ा वर्ल्ड में अपने आप को समझते हैं, ना लानत भेजूंगा ना। मेरे को एक बात बताओ, हम इंडियन है, हमारी सरकार क्या है, डेमोक्रेसी की सरकार है, ठीक है ना, इसके अंदर हिंदू मुसलमान है, मुसलमान सिर्फ दुआ कर सकते हैं यहाँ पे। आज अगर मैं रोड पे उतरता हूँ, आज अगर मैं मोर्चे लेके रोड पे उतरता हूँ, तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे अंध भक्त है, वो मोर्चा लेके उतरेंगे इसराइल का, वो क्या बोलेंगे, आई एम विथ यू इसराइल। अच्छा, तुम यहाँ पे बोलोगे आई एम विथ यू फलस्तीन, तो वहां का दंगा यहाँ पे क्यों? क्या तुम्हारे को दिमाग नहीं है क्या? बराबर है, यहाँ पे कौन सा बैतुल मुकद्दस है जो तुम यहाँ पे लड़ रहे हो जबरदस्ती का? आई एम विथ यू फलस्तीन करके तुम रोड पे मोर्चे लेके चले जाओगे, कल वो जो फालतू के लोग है जो दंगा फैलाना चाहते, वो 100 लोग लेकर के अगर रोड पे आ जाएंगे, तो पुलिस को तकलीफ, आर्मी को तकलीफ, सरकार को तकलीफ, सिविलियंस को तकलीफ, बच्चों को तकलीफ। अरे दुआएं करना है, मस्जिद में बैठो, मस्जिद का एक ऐसा वीडियो वायरल करो, या अल्लाह अलकुस अल अक्सा, ऐसा करके बोलो अलकुस अलकुस अलकुस, या अल्लाह फना कर दुश्मनों को। तुम रोड पे लेके लिख लोगे, पूरी सहमति है क्या तुम्हारे पास, पावर है क्या, कानून का उल्लंघन कर देते हो फट से, तुम लोग समझते हो क्या? इसलिए बोला गया है मुसलमान कौम को अगर बहकाना हो ना, तो एक चिंगारी दे दो, फट से मुसलमान कौम बैठ जाती है। हिंदू मुसलमान तो खत्म हो गया था ना बाबरी मस्जिद सही कराने के बाद। कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक्सेप्ट किया मुसलमानों ने। अच्छा, उसका स्वागत किया, कोई विरोध नहीं किया, फिर भी ये थोड़ा दिन रुकने के बाद में। तो आपने नारा नहीं सुने, वहाँ पे मंदिर बनाने का ऑर्डर दिया तो किसी मुसलमान ने बोला क्या, नहीं मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, इससे बड़ी देशभक्ति और क्या दिखा सकते हैं मुसलमान, इससे बड़ी देशभक्ति और क्या दिखाएगा तुमको? इस देश के मुसलमान ने क्या है कि आई एक्सेप्ट यू, तुम्हारा फैसला हमको मंजूर है, हमको कहीं और मस्जिद के लिए जगह दे दिए, आप मंदिर बना रहे हो कोई बात नहीं, छोड़ दिया गया। ये तो शांति का प्रतीक दिखाया ना मुसलमान ने, लेकिन आज कौन सा प्रतीक तुम्हारा सरकार दिखा रहा है? 2027 तक पूरा इंडिया हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन कराना उससे ही बुरी, उससे बड़ी बुरी बात है, उससे घटिया बात है। अगर कोई मोमेडियन दिल से हिंदू धर्म अपनाना चाहता है तो उसे हम मना नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई हिंदू धर्म से मुसलमान बनना चाहता है तो हम उसे जोर जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। तो तुम्हारे एक मत के लिए हम इंसानियत का कत्ल करते हो, हमारे दिल में जहर देते हो, ये तुमको शर्म नहीं आती है? मुमरा शहर के अंदर भी बहुत ही मिलजुल के आज तक लोग रहे हैं, लेकिन बात आती है प्रोग्राम की, बात आती है रैली की, किसको आपत्ति है? किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन आप उनको क्या संदेश देंगे? मुमरा से उन्होंने रैली निकाली, पाकिस्तान का नारा क्यों लगाना है? पाकिस्तान, हम हिंदुस्तान का नमक खाए, आपने किसका नमक खा रहे हो? सुनो ना, नमक किसका खा रहे हो? इंडिया का। मैं नमक खा रहा हूँ हिंदुस्तान का, तो मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, लेकिन पाकिस्तान के नारे है ना, पाकिस्तान में जाके लगाइए। मैं बोलता हूँ ना, आज मैं बोलता हूँ इस डिपार्टमेंट से हिंदू भाई लोग नाराज है, तुमको ये पता है क्या? क्यों नाराज है? मैं बोलता हूँ, उनकी रैली लिख ली, उनकी रैली को घुमाए ना एमएमएलडी से, घुमाए ना एमएमएलडी से, तो डिपार्टमेंट ने अपना काम नहीं किया, डिपार्टमेंट ने सही काम किया, ये दुनिया क्यों नहीं सोचती? अरे चार पागल और चार एड़ो लोग के चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, चार सी लोग के चिल्लाने से कुछ नहीं होता है,
डिपार्टमेंट ने बराबर उस रैली को घुमाया एमए वैली से, इसलिए क्योंकि अभी एमए वैली पे बराबर पॉपुलेशन नहीं है, पब्लिक नहीं है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है, रोड है, फटाफट निकल जाएगा। अब आने वाले वक्त में हमारे डिपार्टमेंट ये भी काम कर सकते हैं कि भाई अगर तुम्हारी बड़ी रैली है तो बाईपास से जाओ, बाईपास से निकल देगी, लेकिन संयम तरीके से निकालेगी। वो ऐसा नहीं है, मुमरा का रोड किसी के बाप का नहीं है, मेरी बात समझे क्या, हिंदू का भी है तो मुसलमान का भी है, वो जा सकता है जहाँ विवाद होगा। हाँ, जा जहाँ मस्जिद आ रही है, दारुल फला मस्जिद आ रही थी, जामा मस्जिद आ रही थी, वहीं पर पिछले टाइम उन्होंने कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की थी। कुछ सही है इस बार, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, उसमें 400 लोगों में से एक बच्चे ने नादानी कर दी रही, कर देते ना नादानी, बराबर देखिए डिपार्टमेंट ने। मैं बात समझ, आप सोचेंगे मैं डर के बोल रहा हूँ, ये नहीं भाई, 500 के बीच में तुम 500 का मुंह पकड़ सकते हैं क्या, उसमें एक हरामी निकल जाएगा। मैं आपको बताऊं, एक हिंदू की रैली में अगर दंगा करने वाला रहेगा, एक हिंदू की रैली में मेरे को दंगा करना है, मैंने तिलक धारी लगाया, मैंने ये डाला और बाइक पे निकला, मैंने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, ये मैंने बोल दिया, हो गया दंगा वहाँ पे, उसको क्या मालूम नदीम हिंदू है क्या, नदीम है क्या, लक्ष्मण है, उसको तो नहीं मालूम। अब उस रैली में मुसलमान भाइयों की रैली में कोई अगर एक गैर कौम का आदमी हरा झंडा मार के हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा दिया तो हो गया दंगा, बराबर है। तो 500 के बीच में ये बहुत तय करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसे नादान बच्चे अंदर से रैली निकाल ले और कब भाग जाए पता ना चले, बहुत मुश्किल का काम है, इसको बहुत सोच बूझ के करना चाहिए। मुमरा और मुंबई, अब सोच बनी है, सब एक साथ खड़े हैं, कोई नहीं चाहता हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो, कौन चाहता है? कोई अपने घर में एक माता के बेटे को ही ये चाहेगा कि मैं मेरे भाई को काट दूं, वो तो राक्षस ही रहेगा जो चाहेगा काट देना। तो हिंदुस्तान में जो मुंबई है, ये एक माँ के बच्चे हैं हम सब, बराबर है, बात समझे ना, ये हमारा परिवार है, अखे महाराष्ट्र के एक माँ के बच्चे हैं हम लोग, कि महाराष्ट्र के एक ही माँ के बोलेगा, दोस्त की माँ मेरी माँ जी, हिंदू की माँ मेरी माँ, मुसलमान की माँ तुम्हारी माँ, बात समझे ना। आज एक बबलू की माँ है, नदीम की माँ है वो, तो मैं तो माँ ही बोलूंगा ना, तो क्या मैं माँ बोलने वाले बच्चे को काट सकता हूँ क्या? ये हमारे दिल के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, तो मुंबई हमारा है, देश हमारा है, इसके अंदर दंगा वंगा नाम का कोई चीज होना नहीं चाहिए। तो बात करता हूँ, आखिरी संदेश क्या देंगे जनता को आप? आखिरी संदेश ये दूंगा कि मस्जिद अल अक्सा हमारा दिल है, हमारे लिए सब कुछ है, मस्जिद अल अक्सा के लिए दुआ करो, वह इजा बतास तुम जब्बारी, अल्लाह तेरे मोहताज हूँ, तेरी हिफाजत के मोहताजी में हूँ, और दुआ करो या कना अबुदू वैया कना स्तैन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह बरहक है, उस पर चलो और मस्जिद अक्सा के लिए दिल से दुआ करो, ना कि एक रोड पे निकल के पैलेस्टीन का सपोर्ट तुम दिखाओगे, झंडे तुम दिखाओगे, कल गैर कौम के लोग इसराइल का झंडा दिखाएंगे और इसराइल का मोर्चा लेके निकलेंगे, तो आपके दिल पे ठेस पहुँचेगी, तो ये दंगे का माहौल बन सकता है। इस माहौल को रोकने के लिए अल्लाह से दुआ करो, सुम अल्हम्दुलिल्लाह, आप समझदार हो, ऐसा ना करो कि ये पैलेस्टीन का झंडा लेके मैं लिख रहा हूँ, ये इसराइल का झंडा लेके हिंदू भाई लिख रहा है, ये हिंदू मुसलमान सामने सामने आके ये भिड़ जाए और हमारा देश जल जाए, ये चीज नहीं होने देना। मस्जिदों में, घरों में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओ, अल्लाह से दुआ करो, अल अक्सा से कैसे रिश्ता तुम तोड़ सकते हो, 30 पारे की कुरान ने तुमको अल अक्सा से रिश्ता जोड़ना सिखाया है। तो मोमिन कभी कमजोर नहीं होता, उसके पास कुछ नहीं होता है तो दुआओं का हथियार सबसे बड़ा होता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।